हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंक्टीस व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं अपने बालों को DIY करूंगी, वो भी नेचुरली। तो उसके लिए मैंने हेना लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये यूज़ करूंगी, ये हेना है। इसको मैंने रात को ही भिगा दिया था ताकि इससे अच्छा कलर निकले, आप लोगों को वैसा ही करना। तो ये मेरी मम्मी लगाना शुरू कर रही है, मम्मी लगा रही है मुझे। मम्मी ने इसको क्या कहते हैं, जो नेचुरल मेहंदी का पत्ता है उसको बॉईल किया था सबसे पहले, उसके रस को मम्मी ने हिना के साथ मिक्स किया है ताकि और बेटर कलर आए। तो लेट्स होप कि और अच्छा कलर आए। ऐसे तो मैं लगाती हूँ, अच्छा ही आता है, पर बहुत दिनों के बाद लगा रही हूँ मैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऊपर के पार्ट में पूरा लग चुका है, अभी नीचे का बाकी है, वो मम्मी लगाएगी अभी। वैसे मम्मी ये बहुत दिनों के बात कर रही है, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स तो हो ही गए मम्मी ने मेरे बालों का हाथ तक नहीं लगाया था, बस वो काटती थी मेरे बालों को लेकिन ये सब मैं खुद करती थी। लेकिन अभी मैं कंप्लेन करने लगी थी मम्मी को कि मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं, मतलब उनकी मम्मियाँ उनको लगा के देती है तो आपकी नहीं देती है, इसलिए मम्मी आज कर रही है स्पेशली। तब तक मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ ये हेना लगाने के। तो ये लगाने से आपके हेयर स्ट्रांग होते हैं, प्लस कलर तो आता ही है, और जो डैंड्रफ इन सब की प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। ये आपके स्कैल्प को भी हेल्थी बनाते हैं और रूट को भी, तो इसीलिए आप इसको लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट वीक में एक बार तो लगाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने लगाया है और इसकी वजह से मेरे हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे हुए हैं और मेरे बाल काफ़ी घने भी हुए थे, पर मेरे को वापस मतलब PG जाना पड़ा, तो उसी की वजह से मेरे हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हुआ, प्लस बाल भी काफ़ी झड़ रहे हैं मेरे, तो उसी को ठीक करने के लिए मैं वापस लगा रही हूँ ये। मेरा हेना लगाने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी मैं तब तक इसको अपने सर में रखूंगी जब तक ये सूखना चाहे, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।